प्लीज ये मत कीजिए, हमारी बात अलग थी, हमारा हमारा समय कुछ और था। हाँ, और हालात भी, हम क्या जानते नहीं। परमा जी, इस बार तो कुछ ऐसा नहीं है ना, मैं आपकी चिंता का कारण समझती हूँ, हम कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन ये मत कीजिए। हम पंडित जी से सलाह कर चुके हैं, यही एक उपाय है और इसे हमें करना है। और तुम्हें इसमें हमारा साथ देना है ताकि सब कुछ निर्विघ्न पूरा हो सके। नायरा कभी नहीं मानेगी। और कार्तिक, उसे तो आप अच्छे से जानते हो ना, अगर अगर इस बार नाराज हो गया तो। क्यों, उसने भी प्यार किया ना हमारे किट्टू से, तो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। सारे इम्तिहान के हम और हमारा पोता ही देंगे, कुछ तो बलिदान नायरा को भी देना पड़ेगा। क्या हुआ नक्श? पापा, नायरा के ससुराल वालों का फोन आया था, वो कोई पूजा करवाना चाहते हैं। फिर से? अभी कल ही तो एक पूजा हुई है। वही तो, इनको कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पापा? ठीक है ना बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम है, अगर वो मानते हैं तो करें। पापा, वो पूजा उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ करवाना चाहते हैं, और उन्होंने तो मुझे ईमेल भी कर दिया सब डिटेल्स। और इस पूजा में कार्तिक या और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, मना किया उन्होंने सबको बताने से, उनकी तरफ से सिर्फ लेडीज ही आएंगे। अरे ये क्या बात हुई, जब पूजा रखी तो उसमें सबसे छुपाने वाली कौन सी बात है? यही तो पॉइंट है। होगा कुछ, जाने दो ना, हमें क्या करना है, उन्होंने तो हमसे जो तैयारी करने के लिए कहा है हम वो कर देते हैं बस। ये सब क्या है? कल जो अपशगुन हुआ, बहू के गलत समय पे गृह प्रवेश करने का उसका उपाय है। आप लोग हमें गलत मत समझिए, ये हम जो कर रहे हैं वो बच्चों की भलाई और उनकी खुशी के लिए। ऐसी चीजें जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा। क्या है, निमंत्रण छपने जा रहे हैं और उसके पहले करना जरूरी है ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। हमने सरकारी अधिकारी को भी यही बुला लिया है, इसलिए जो भी कागजी कार्रवाई हो वो भी यही की यही पूरी हो जाएगी। पर आंटी, इसमें कागजी कार्रवाई की क्या जरूरत है? हमारे धर्म में नाम का बड़ा महत्व होता है, कहते हैं नाम के अनुसार ही प्रवृत्ति होती है इंसान की, इसलिए हम हमारे बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं, या तो शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित, या महापुरुषों के आचरण से, या फिर ग्रहों की दशा के अनुकूल। ये भी विज्ञान है एक तरह से। ये और बात है कि आजकल लोग इसे मानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं, इसलिए हमारे घर में बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं, इसलिए तो गोयनका खानदान की महिमा यहाँ तक पहुँची है। हमारे पंडित जी तो आधे अक्षर के फर्क को भी मानते हैं और ग्रहों की दिशा और जन्म के समय के अनुसार ही सब करते हैं। हम अपने घर में आने वाले हर सदस्य का नामकरण करते हैं। हमारा अपना नाम भी पहले त्रिवेणी था, हमारी सासू माँ ने सुहासिनी रखा, फिर हमने इनका अर्पिता से स्वर्णा किया। सुरेखा तो सुरेखा ही थी, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और नायरा के लिए हमने सुमेधा सोचा है। नायरा तो वैसे भी ना भारतीय है, ना शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख, ना ही कोई मतलब। ये लो, तुम्हारे नाम से संकल्प कराएंगे और आज से वही तुम्हारी पहचान होगी, और हमारी ओर से निमंत्रण पत्र में भी यही नाम आएगा। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। पर दादी, नाम है समझते हैं, लेकिन जब उस नाम का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, तो उस नाम का फायदा क्या है? हम जो नाम तुम्हें दे रहे,
वो तुम्हारे और किट्टू के आने वाले जीवन को उसके सुख शांति को ध्यान में रख के दे रहे हैं। अगर तुम उसे सचमुच प्यार करती हो और उसका मंगल चाहती हो तो तुम्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम अपना नाम नहीं बदलोगी नायरा, और बाकी सब भी सुन लीजिए, नायरा अपना नाम नहीं बदलेगी। मर गया आज तो, बहुत ज्यादा लेट हो गया। नैतिक सरोवर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, शादी फिक्स होते ही जमाई जैसे फेल करने लग गया। भाभी थोड़ा सा खा लो ना प्लीज। नहीं, मैं ऑफिस में खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लव कुछ लव कुछ लव कुछ, शाम को आराम से आके बात करूंगा, ठीक है? अभी ऑफिस जाना ना बेटा, प्लीज। सुनिए सुनिए भैया, आपकी शादी किसी और से हो रही है, नारा दीदी से नहीं। ये दादी के रूम में से मिला हमें। तसल्ली के लिए आप मुझे जो पूजा पाठ करने को बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे मेरा नाम मत छीनिए प्लीज। इसका मतलब तुम अपनी और कार्तिक की भलाई नहीं चाहती। इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ दादी? बेहतर मुझे और कोई नहीं समझ सकता, सो आई होप कि आज भी तुम मेरी बात समझोगी। हमें हर बार दादी के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी चिंता अपनी जगह चाहे से, और दादी आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए, हम वही करेंगे जो ठीक है। और ये कौन तय करेगा कार्तिक कि ठीक क्या है? ठीक तो वही होता है ना लक्ष्य, जो जिसमें सबकी खुशी ना हो पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी, और हमारी खुशी तो सबकी खुशी महरा नहर। बाकी सभी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी बहन की खुशी इसमें नहीं है कार्तिक, इसलिए हम ये नहीं कर पाएंगे। सॉरी नाग, शायद आई थिंक हमें ये अभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। तुम आराम से सोच लो, टाइम ले लो नायर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। बस इतना याद रखना कि ये हमारे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं। चलिए दादी। सब बहुत नाराज हुए होंगे ना मुझसे, स्पेशली नक्श। कोई बात नहीं, उन्हें मैं समझा दूंगी। इनफैक्ट वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमने ये क्यों किया। और आगे भी जो करने वाले हैं नायरा, आई नो कि तुम उन सब चीजों में नहीं मानती, लेकिन लेकिन हमें करना होगा। नहीं कार्तिक,
मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो जरूरी है वो जरूरी है, और मैं ऐसा कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगी जिसमें हमारी खुशी हो। और तुम्हारा कहना सही ही है कि अगर हम हर छोटी बात पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो बात संभलने की जगह और बिगड़ जाएगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं भी ये नहीं चाहता नायरा, इसलिए बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है। कल सुबह तक सारे इनवाइट्स प्रिंट होने हैं, इसलिए आज रात तक ही हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। ये फैसला थोड़ा जल्दी में लिया है वरना बहुत डिले हो जाता। आई नो, आई लव यू, आई लव यू टू, और मेरा साथ देने के लिए, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। हमारे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।